घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट की। उसको समझता क्या, कैसे हुआ था लोकल लोगों को फायदा? इसका हुआ था पुष्पा में डेब्यू। क्यों बनाई जा रही है आखिर पुष्पा 2? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की नई वीडियो में। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 इस कोरोना काल में रिलीज होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। साउथ हो या नॉर्थ, देश के कोने कोने में इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया गया। दर्शकों की भारी डिमांड के बाद इसे OTT पर भी रिलीज किया गया। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा द राइज ने 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए। फिल्म में अल्लू अर्जुन के ऑपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आई। सुकुमार के निर्देशन में बनी पुष्पा की ना केवल कहानी बल्कि एक एक गाना और डायलॉग खूब लोकप्रिय हुए। तो क्यों फेमस हुई थी पुष्पा और आखिर क्यों आ रही है पुष्पा 2, चलिए आपको बताते हैं। लाल चंदन की तस्करी पर है ये कहानी। अल्लू अर्जुन ने फिल्म में पुष्पा का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में होने वाली लाल चंदन की तस्करी पर आधारित है। फिल्म मेकर्स ने फिल्म को 2 हिस्सों में रिलीज करने का फैसला लिया है। पुष्पा के एक निर्माता वाई रवि किशन ने इंटरव्यू में बताया कि पुष्पा की कहानी बहुत लंबी है और 2.5 घंटे में इसे पूरा सुनाना मुश्किल नहीं। ऐसे में निर्देशक व एक्टर्स ने सोचा कि इस फिल्म को 2 भाग में रिलीज किया जाए। बता दें कि पुष्पा के दूसरे पार्ट पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और शूटिंग से पहले 10% तक का काम भी पूरा हो चुका है। मार्च के आखिर में फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। पुष्पा का दूसरा पार्ट। पुष्पा फिल्म की 80% शूटिंग पूरी होने के बाद मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट को बनाने का विचार किया। कहानी ने मेकर्स को मजबूर कर दिया कि बाहुबली की तरह ही इसे भी 2 पार्ट में बनाया जाए, क्योंकि कहानी ज्यादा थी और टाइम कम, तब मेकर्स ने मजबूरन इसे 2 पार्ट में बनाया। करीब 500 लोगों का हुआ है इसमें डेब्यू। पुष्पा की ज्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारे दुमिली जंगल में की गई थी। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम को जंगल ले जाया जाता था। मेकर्स टीम को जंगल ले जाने के लिए रोजाना 300 गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। पहले सीन में चंदन के बड़े बड़े गट्ठर दिखाए जाते हैं और ज्यादा भीड़ की जरूरत होती है। इस एक दृश्य के लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया। पुष्पा फिल्म के लिए रोजाना 500 लोगों की जरूरत होती थी। एक गाने में तो 1000 लोगों को लेना पड़ा और उन 500 लोगों की फिल्म में डेब्यू कही जा सकती है, तो वो 500 लोग कह सकते हैं कि उन्होंने पुष्पा में काम किया है। और ऐसा ही कुछ पुष्पा 2 में भी होने वाला है। लोकल लोगों को भी काफी फायदा हुआ। आर्ट डिपार्टमेंट की मदद से लाल चंदन की फैक्ट्री को दिखाया जाता है। मेकर्स को चंदन की तस्करी के ट्रांसपोर्ट वाले सीन्स को शूट करने में खासा दिक्कत आ रही थी। इसका कारण था जंगल का खराब रास्ता। ऐसे में कई जगहों पर टीम ने कच्ची सड़कें बनाई थी ताकि आसानी से सफर किया जा सके, जिससे वहां के लोकल लोगों को भी काफी फायदा हुआ। पुलिस को मिला मौका अल्लू अर्जुन से मिलने का। कुछ दिनों के लिए केरल के जंगलों में भी शूटिंग हुई थी। इसके लिए टीम चंदन के आर्टिफिशियल गट्ठर लेकर केरल के जंगल गई। जब टीम वहां लौट रही थी तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। टीम ने समझाया कि ये शूटिंग के लिए लिया जा रहा है। तब पुलिस ने शर्त रखी कि अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के बाद ही वो वहां से उन्हें जाने देंगे, तो मेकर्स ने ऐसा ही किया। बता दें, पुष्पा फिल्म की पहली झलक अप्रैल 2021 में देखने को मिली थी। फिल्म के टीजर में ही अल्लू अर्जुन ने दमदार अभिनय की छाप छोड़ी थी। निर्माताओं के अनुसार पुष्पा का टीजर टॉलीवुड में 1.5 मिलियन लाइक्स के साथ सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला टीजर है। तो यही सब रिकॉर्ड बनाने फिर से सुकुमार लेकर आ रहे हैं पुष्पा 2, जिसकी शूटिंग दोबारा से उन्हीं जगह पर होगी जहां पर पुष्पा की शूटिंग हुई थी। तो आपको पुष्पा 2 का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।